हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर लाखों कोशिशों के बाद भी आपके सफ़ेद बाल काले नहीं हो रहे हैं, या तो फिर छोटी उम्र में ही आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं, आपके बाल अगर झड़ रहे हैं, या तो फिर बालों की ग्रोथ आपकी रुकी हुई है, या फिर गंजापन दिखने लगा है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही खास है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। मैं आपको एक ऐसा मैजिकल हेयर ऑयल बना के दिखाऊंगी जिसे सिर्फ 2 वीक यूज़ करने से ही आपके सफ़ेद बाल जड़ से काले होने लगेंगे और आपके बालों की ग्रोथ डबल हो जाएगी, बालों का झड़ना बंद हो जाएगा और आपके बाल काले, लंबे, घने हो जाएंगे और जड़ से मजबूत हो जाएंगे, यानी कि A to Z सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी इस ऑयल से। ये ऑयल बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट से बना है, तो केमिकल तो इसमें यूज़ हुआ नहीं है, तो डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और अगर आप इस ऑयल का यूज़ करोगे ना, तो आपके बालों की सभी टाइप्स की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें, शेयर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं अपडेट्स के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेना है मेथी दाना, यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। मेथी में भरपूर मात्रा में हाई प्रोटीन्स और विटामिन्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे बालों की ग्रोथ को काफ़ी अच्छा करते हैं, साथ ही साथ उनका टूटना झड़ना भी रोकते हैं। इसके अंदर हाई लेवल में एक ऐसा एसिड पाया जाता है जो कि हमारे बालों का झड़ना रोकता है। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मेथी दाना लिया है। इसके बाद हमने लेना है कलौंजी, यानी कि ब्लैक किमन सीड्स। आप सब तो जानते ही हो कि कलौंजी बालों के लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ये हमारे बालों को काला, घना और जड़ से मजबूत बनाती है। तो यहाँ पर आपने 2 चम्मच कलौंजी के डालने हैं। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमने इसमें डालना है ब्लैक पेपर, यानी कि काली मिर्च। ये भी हमारे बालों को काला बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। यह हमारे बालों का झड़ना तो रोकती ही है, साथ ही साथ हमारे स्कैल्प में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको भी ठीक करती है पूरी तरह से। तो यहाँ पर सिर्फ आपने 1/2 चम्मच ही काली मिर्च ऐड करनी है। अब इन सबको आपने सिम गैस पे अच्छी तरह से भून लेना है। ध्यान रखें कि इनको आपने जलाना नहीं है, सिर्फ इसकी नमी निकालनी है ताकि हम इसका अच्छी तरह से पाउडर बना सकें। तो ये देखिए दोस्तों, ये अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसे एक जार में डाल देंगे और इसका अच्छी तरह से एक पाउडर बना देंगे। तो दोस्तों ये देखिए, इसका पाउडर बनकर के अच्छी तरह से रेडी है। अगर ये थोड़ा दरदरा हो तो भी चलेगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका ऑयल कैसे बनाना है। तो यहाँ पर मैंने कोकोनट ऑयल डाल दिया है इसमें 4 to 5 टीस्पून। आप चाहो तो मस्टर्ड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। इसमें डालना है रतन जोत। ये बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी होती है, आपके बालों को एकदम कलर करती है, जैसा मन चाह आकार आप चाहते हो वैसा, और घना लंबा करती है, काफ़ी अच्छी तरह से जड़ से मजबूत करती है और उसे एकदम डैंडर फ्री बनाती है। तो यहाँ पर आपने ज़्यादा इसको नहीं डालना, थोड़ा सा ही डालना है क्योंकि इसका कलर काफ़ी अच्छा आता है। देखिए, अभी मैंने थोड़ा सा ही डाला और इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है, बहुत ही अच्छी तरह से ये वर्क करता है। और अब आपने इसमें डालना है भृंगराज पाउडर। देखिए इसका कलर कितना गाढ़ा हो गया, कितनी अच्छी तरह से। जो अपनी रेमेडी बनाई थी ये आपने इसमें डाल देनी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। आप चाहो तो इसको मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हो। ये सभी चीज़ें एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाती है आपके बालों को काला करने के लिए। और जस्ट हमने गैस ऑफ कर देनी है।
आप इसमें चाहो तो मेहंदी भी डाल सकते हो, नो इश्यू। मगर अभी हम मेहंदी इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि हमारी चीजें काफी है, इनफ है इतनी चीजें। आपकी इच्छा है, आप डालना चाहो तो उसे डाल सकते हो। तो बस इसको हल्का सा आपने ठंडा कर देना है। अब आपने इसको ढक के रख देना है। कोई भी लिड आपने इसमें लगा दीजिए और इसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए ताकि जो भी हमारी चीजें है उसका इन्फ्यूजन इसमें आ जाए। तो देखिए ये ठंडा हो चला है और अब हम इसको छान लेंगे। आप चाहो तो इसको स्टोर करके भी रख सकते हो एटलीस्ट 1 मंथ के लिए, और अगर उसके बाद भी आपकी रेमेडी रह जाए तो आप उसको डिस्कार्ड कर लीजिए क्योंकि फिर वो वर्क नहीं करेगी आपके बालों पर। और आपने इसको कैसे लगाना है, आपने इसको वीकली 3 से 4 बार तो लगाना ही लगाना है, तभी आपको बहुत ही अच्छा ये रिजल्ट देगा। और बस ठंडा कर लीजिए और बस इसको ऐसे छान लीजिए और हमारी रेमेडी रेडी है। आप इसको स्टोर कैसे करना है ये भी बताती हूँ। आपने ये स्टोर करना है किसी भी कंटेनर में, कांच के कंटेनर में। तो ये देखिए आपने इसको किसी भी कांच के कंटेनर में छानने के बाद स्टोर कर लेना है। ये बहुत ही अच्छी तरह से आपके बालों पर वर्क करेगा, यकीन मानिए ये आजमाया हुआ है। और इसमें जितने भी चीजें हमने इसमें डाली है बहुत ही अच्छी तरह से ये वर्क करती हैं। तो बस इसको यूज कीजिए और अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। बहुत ही अच्छी तरह से ये वर्क करेगा। और इसको लगाने के बाद आपने 2 घंटे अपने हेयर पर लगे रहने देना है। उसके बाद आपने सिंपली किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लेना है, किसी भी हर्बल शैम्पू से आप वॉश कर लीजिए अपना हेयर। बहुत ही अच्छी तरह से इसको ये वर्क करता है। अगर आप इसको रात को लगा सकते हो तो रात में लगा दीजिए, ये बहुत ही तेजी से वर्क करेगा